हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लास रूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम यहाँ पर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट में तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते हैं, या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जहाँ से अभी तक बने हैं। एक है मोल्स कैलकुलेशन का, कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बिल्कुल इजी पोर्शन है और इजीली यहाँ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड आता है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री में आप रिएक्शन दे देंगे, रिएक्शन में आपको पूछ लेंगे कितने मोल से रिएक्टेंगे, कितने मोल से कितने मोल बनेंगे। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, परसेंटेज पीटी वाला भी कॉन्सेप्ट ऐड किया जा सकता है यहाँ पर तो। और इसके अलावा कंसंट्रेशन टर्म, तो इन तीन पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फास्टली यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि चीजें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, जिसको हम Na से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, कि यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल लेते हैं। तो Na का वैल्यू क्या होता है, 6.022 × 10⁻²³। अगर एटॉमिक स्पीशीज है तो एटम्स हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, राइट। इसका जो वैल्यू है, और अगर आयनिक स्पीशीज है तो आयन्स हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो 1 मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, या 1 मोल ऑफ आयन्स के अंदर जितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो अगर हम 1 मोल एटम की बात करें तो 1 मोल एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें कितना मॉलिक्यूल होगा, 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। और अगर 1 मोल आयंस की बात करें तो इसमें कितना होगा, 6.022 × 10⁻²³ आयंस, राइट। तो ये एक सिंपल पॉइंट है कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो 6.022 × 10⁻²³ के बराबर होता है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कि 1 मोल एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और 1 मोल ऑफ आयंस में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे। सेकंड हम बात करते हैं मोल्स कैलकुलेशन का। मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोल्स के बेसिस पर, एटम्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के कैलकुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर बहुत क्वेश्चन अभी तक बने हैं। तो मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम मास के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें पता है कि मोलर मास क्या होता है, 1 मोल सब्सटेंस का मास, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास, अगर एटॉमिक स्पीशीज है तो एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो मोलर मास। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बोले STP कंडीशन क्या होती है, तो STP कंडीशन मींस 1 ATM प्रेशर प्लस 273 केल्विन टेम्परेचर। तो STP कंडीशन क्या होगी, 1 ATM प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या बोला गया है, एट STP 1 मोल आइडियल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की बात करें, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है, कि अगर हम यहाँ पर सेम प्रेशर, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम रख लें, कॉन्स्टेंट रख लें, तो अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर सिमिलर है तो डिफरेंट डिफरेंट गैस के डिफरेंट सिमिलर वॉल्यूम में सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल होते हैं। कि प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, सिमिलर वॉल्यूम तो अगर यहाँ पे सिमिलर प्रेशर सिमिलर टेम्परेचर है तो सिमिलर वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या होगा, सिमिलर मॉलिक्यूल्स या सिमिलर मोल्स प्रेजेंट होंगे। हम एटम के लिए बात नहीं करें, क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गैस के एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी मीन्स एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए, मोल्स के लिए या मॉलिक्यूल के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सी बार क्वेश्चन में इस तरीके से भी टर्मिनोलॉजी रहती है, 1 मोल को आप यहाँ पर 1 ग्राम
एटम, अगर एटॉमिक स्पीशीज है तो 1 ग्राम एटम भी ले सकते हैं, अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, और अगर आयनिक स्पीशीज है तो 1 ग्राम आयन्स भी लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम आयन्स का मीन्स एक ही है, वहां पे उसके 1 मोल की बात की जा रही। ठीक है, सपोज आपको गिवन है 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम, तो 1 ग्राम एटम का मीन्स क्या हुआ, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम की बात की जा रही है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, 27 ग्राम। ठीक है, और अगर बोलते हैं 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम, तो दोनों में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम मीन्स 1 मोल की बात की जा रही है, 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम मीन्स इसके केवल 1 ग्राम मास की बात की जा रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे इजिली, जो इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, हमने यहाँ पर देखा कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का जो एसटीपी पर वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर, राइट। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। तो अगर आपको कोई वॉल्यूम गिवन है तो उसमें मोल्स का कैलकुलेशन करना है तो वो भी आप जानते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग में आप मोल्स निकाल सकते हैं। आपको पता है 6.022 × 10²³ में क्या होता है, 1 मोल होता है। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स गिवन है उसको क्या करें, नंबर ऑफ एटम्स, अगर एटॉमिक स्पीशीज है तो एटम्स, और अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो मॉलिक्यूल, और अगर आयनिक स्पीशीज है तो आयन्स को आप किससे डिवाइड कर दें, Na से डिवाइड कर दीजिए 6.022 × 10²³। तो इससे भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस। यस, गिवन आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंटेन 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स किसमें है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है 0.5 मोल ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 18 एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे 0.5 मोल मीन्स क्या हुआ, हाफ मोल ऑफ H2, तो 0.5 means half mole of hydrogen gas की बात कर रहे हैं, 2 gram of hydrogen atom means 2 gram mass की बात कर रहे हैं, 2 gram of hydrogen atom, तो एक atom का mass क्या होता है 1 gram, तो 2 gram का mass कितना, 1 atom का क्या इतना mass हुआ 1 gram हुआ, तो 1 mole of hydrogen atom का mass कितना होता है 1 gram होता है, तो 2 gram में कितने mole of hydrogen atom होंगे, 2 mole। नेक्स्ट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 18, तो अगर मोल्स निकालने आपको ऑक्सीजन 18 के, तो कितना होगा मास बाय एटॉमिक मास, तो ये क्या 1 से छोटा होगा। और बोला है 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो मीथेन में कितने मोल होंगे, 16 ग्राम दे रखा है, एटॉमिक मोलर मास क्या होता है, मीथेन का 16 ही होता है, तो ये 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है आपको हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 एमयू ऑफ हीलियम, जो हीलियम एटम होता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक मास 4 amu, एक एटम का मास। यहां पे जो 16 ग्राम लिया है वो 1 मोल का हो गया, 4 amu कितने एटम का मास होता है, एक एटम का मास। आपको कितना दे रखा है 100 amu, तो एक एटम का मास 4 amu है, तो 100 amu में कितने एटम्स होंगे, 25 एटम, तो बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट गिवन आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.09 ग्राम आर, तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले मोल्स पता होने चाहिए। हमें पता है 1 मोल में एन मॉलिक्यूल होते हैं, तो पहले हमें मोल्स निकालना होगा, और मोल्स निकालने के लिए आपको मास पता होना चाहिए। यस, मास गिवन है, तो पहले मोल्स ऑफ वाटर हम निकाल लें, मास बाय मोलर मास के अकॉर्डिंग मास कितना है 0.09 अपॉन मोलर मास कितना है 18, तो ये क्या हो गया आपको मोल्स मिल जाएंगे। मोल्स कितना होगा यहाँ पर 1/200 मोल्स आपको यहाँ पर वाटर के प्रेजेंट होंगे। तो मॉलिक्यूल कितना होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/200 इनटू Na क्या है 6.022 × 10²³, तो ये कितना होगा 3.011 × 10²³, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ, तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, तो मोल्स को क्या करेंगे Na से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स क्या है, मास बाय मोलर मास, मोल्स आप कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास से।
इनटू एनए, तो मास तो सबका वन ही गिवन है, मोलर मास आपको पता करना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वन अपॉन मोलर मास इनटू एनए, एनए सभी के लिए कॉमन है, वन ग्राम का मास सभी के लिए कॉमन है, तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम, और जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल लॉजिक से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट गिवन आपको क्या है, CO2, CO2 का मोलर मास क्या होता है 44 ग्राम। सेकंड गिवन है वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। थर्ड गिवन है आपको इथेनॉल, इथेनॉल का मोलर मास कितना होता है 46 के लगभग कुछ होता है, और N2O5 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हुआ 80 प्लस 28, तो 100 के ऊपर जा रहा है। तो सबसे कम मोलर मास किसका होगा यहाँ पे, वाटर का। तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सबसे ज्यादा हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट गिवन आपको टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2Cl2 इन 13.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो आपको कंपाउंड गिवन है, उसका मास गिवन है, उसमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल मींस क्या हो गया, मोल्स हो गया। तो मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास से। तो मास आपको गिवन है, मास कितना गिवन है, मास इज गिवन है कितना 13.5 ग्राम, 13.5 ग्राम का मास गिवन है, अपॉन मोलर मास कितना होगा यहाँ पे SO2Cl2 का, सल्फर कितना होगा मोलर मास 64 प्लस ऑक्सीजन कितना है 32 64 प्लस 71, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉरी सल्फर का कितना होगा 32 प्लस 64 प्लस 71, राइट। तो यहाँ पर ये भी कितना होगा 32, ऑप्शन का 32। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मोलर मास पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट गिवन आपको वन मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल के वन मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है एटम से, वो आपको पूछा गया है। तो वन मोल ऑफ P4, तो हम बात करें वन मोल P4, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स इनटू Na से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। हमें पता है एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है Na, तो जितने मोल्स होंगे उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक मोल की बात की तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स यहां पर होंगे, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है चार, तो एटम्स कितना हो जाएगा यहां पर 4 × 6.022 × 10²³ एटम्स, तो इतने एटम्स यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा। नेक्स्ट गिवन है नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन इज, किसके सिमिलर है, क्या ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है वो आप देख लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन, तो यहां पे आपको कितना देखा है 560 ग्राम Fe, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स पहले हम देख ले, मोल्स कितना होगा गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है 56, तो ये कितना होगा 10 मोल हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है आपको 10 मोल, आपको पता है एक मोल में कितना एटम्स होता है Na के बराबर, तो 10 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 10 Na के बराबर, राइट। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स यहां पर प्रेजेंट है। अब आपको बोला है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ Fe, फर्स्ट बोला है ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या नाइट्रोजन के यहां पर, नाइट्रोजन के जितने एटम्स है उससे यहां पर ट्वाइस है क्या, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा फर्स्ट वाले में कितना ग्राम है 70 ग्राम नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 14, तो कितना होगा 5 मोल नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एटम, एक मोल में होता है तो 5 मोल में कितना होगा 5Na, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम है वो इसका डबल है क्या, बिल्कुल सही है। सेकंड बोला है हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड क्या है 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये एक एटम का मास कितना होता है 1 ग्राम, तो मोल्स कितने होंगे 20 मोल, तो एटम्स कितने हो जाएंगे 20 × Na एटम, तो जितने एटम्स हाइड्रोजन के यहाँ पर प्रेजेंट है उसके हाफ यहाँ पे है क्या, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स वन बाय वन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है यहाँ पे 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन 24 / 2 मीन्स 2 मोल, एटम्स कितना होगा
एक मोल में एन ए होगा तो टू मोल में कितना होगा, टू एन ए, ठीक है। तो इतने एटम्स यहाँ पे कार्बन के अंदर प्रेजेंट होंगे। सेकंड बोला है 56 ग्राम ऑफ फाइबर आयरन, तो मास 56 अपॉन एटॉमिक मास 56 यानी वन मोल, एक मोल में कितना होता है एन ए एटम्स होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा एन ए। थर्ड बोला है 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो मास अपॉन एटॉमिक मास तो वन मोल, तो यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे एन ए ही होंगे। और फोर्थ बोला है 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 108 होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं ये यूज में आता ही है। तो ये कितना होगा यहाँ पर Na एटम्स होगा, तो सबसे ज्यादा एटम्स कितना है यहाँ पे 24 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट गिवन आपको अ सैंपल ऑफ एल्युमिनियम हैज द मास ऑफ 54 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही एटम चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि एल्युमिनियम का एटोमिसिटी क्या होता है, वन ही होता है, यानी एक के अंदर एक ही एटम होता है, और मैग्नीशियम का एटोमिसिटी भी क्या होता है, वन होता है। तो यानी जितने एटम्स यहाँ पर है उतने एटम्स यहाँ पर रखना है, मीन जितने मोल्स यहाँ पर होंगे उतने ही मोल्स यहाँ पर रखना है। तो कितना है इसके मोल्स, 54 ग्राम है, एटॉमिक मास होता है 27, मींस यहाँ पर एल्युमिनियम के कितने मोल है 2 मोल, तो मैग्नीशियम के भी आपको कितने रखने पड़ेंगे 2 मोल, एक मोल का मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24 ग्राम, तो यहाँ पे 2 मोल का कितना हो जाएगा 48 ग्राम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्ड आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 केजी, कितने मोल्स का इलेक्ट्रॉन का वेट 1 केजी होगा, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 केजी। तो यहां पे हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10^31 केजी के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे सिंस 9.1 इंटू 10^31 के जी मास कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 के जी मास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 अपॉन 9.1 इंटू 10^31 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब यहाँ पे मोल्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है Na में एक मोल होता है, तो Na यानी 6.022 इंटू 10^23 में एक मोल होता है, तो यूनिटी में से लगाएं सिंस 6.022 इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 मोल, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना मोल होगा 1 अपॉन 6.022 इंटू 10^23, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 अपॉन 9.1 इंटू 10^31, तो इसमें कितने मोल्स हो जाएंगे 1 अपॉन 6.022 इंटू 10^23 इंटू 1 अपॉन 9.1 इंटू 10^31 मोल्स, तो इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 के जी इलेक्ट्रॉन 1 के जी मास के अंदर प्रेजेंट होंगे, क्लियर। नेक्स्ट गिवन आपको यहां पर बोला गया है 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसटीपी कंटेन, तो 5.6 लीटर ऑक्सीजन में एसटीपी पर क्या क्या होगा, यहाँ पर एटम्स के बारे में पूछा गया है। तो हम सिस्टमेटिक तरीके से मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हुए, मोल्स कैलकुलेट करते हुए मॉलिक्यूल करेंगे, फिर मॉलिक्यूल से एटम कैलकुलेट करेंगे। तो 5.6 लीटर O2, तो यहाँ पे मोल्स क्या होगा ऑक्सीजन के 5.6 अपॉन 22.4 लीटर, बिकॉज एसटीपी की बात की है तो 1/4 मोल हो जाएगा, राइट। सेकेंड 1 मोल कितना मॉलिक्यूल होता है Na मॉलिक्यूल, तो 1/4 मोल कितना हो जाएगा Na/4 मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितना एटम होता है 2 एटम होता है, तो Na/4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितना होगा 2 इंटू Na/4 मीन्स Na/2 एटम्स, Na का वैल्यू पुट कीजिए 6.022 इंटू 10^23 अपॉन 2 मीन्स 3.011 इंटू 10^23 एटम्स यहाँ पर 5.6 लीटर ऑफ O2 में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बोला गया है इफ VML ऑफ द वेपर ऑफ सब्सटेंस एट एसटीपी वेट W ग्राम देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, तो VML ऑफ जो वेपर है VML उसका वेट कितना देगा W ग्राम, तो आपको क्या बताना है इसका एटॉमिक वेट बताना है। तो हमें पता है 1 मोल गैस का STP पर जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 2 to 4 double zero,
और 2 to 4 00 ml का वॉल्यूम ही कितना, जो 2 to 4 00 ml वॉल्यूम होता है उसका मास कितना होता है यहाँ पे मोलर मास के बराबर। तो हम क्या बोलते हैं, 1 mole गैस हैज मास इक्वल टू मोलर मास, 1 mole गैस एट एसटीपी 2 to 4 00 ml वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर। तो हमें पता है सिंस वी एम एल ऑफ गैस कितना ग्राम है, डब्ल्यू ग्राम, तो 1 ml का मास क्या होगा, W अपॉन वी एम एल। और यहाँ पे हम क्या करें, 2 to 4 00 ml का अगर मास ले लेते हैं तो 2 to 4 00 ml means 1 mole, और 1 mole का मास जो होगा वही तो मोलर मास होगा। तो यहाँ पे मोलर मास कितना होगा, W अपॉन वी एम एल इंटू 2 to 4 00 ग्राम। तो इतना मास क्या होगा, उस गैस का मोलर मास के बराबर का मास होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एट एसटीपी क्या होगा, अब अगर आपको कुछ भी बोला नहीं है तो ऑक्सीजन का मीन्स आप क्या लाएंगे, सिंपली यहाँ पे गैस की ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें O2 गैस की, बात करें O2 गैस क्या होगा, यहाँ पे इसका मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम। तो 1 mole O2 का मास क्या होता है, 32 ग्राम, और 1 mole ऑफ O2 का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो आपको कितना बोला है, 16 ग्राम ऑक्सीजन बोला है, तो 16 ग्राम 32 ग्राम का इतना होता है, तो 16 ग्राम का क्या होगा, 11.2 लीटर वॉल्यूम यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास की हम बात करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, जब आपको डिफरेंट डिफरेंट गैस का मिक्सचर गिवन है या डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप का नेचर में मिक्सचर गिवन है, तो वहां पे उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है, गैसेस मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है, वही क्या होगा यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन। तो जैसे हमने मोल्स कैलकुलेट किया है मास बाय एटॉमिक मास या मोलर मास से, वैसे ही एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, अगर एटॉमिक स्पीशीज है तो एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो अगर हम यहाँ पे सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज आपको कोई गैसेस मिक्सचर गिवन है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट गैस के मोल्स प्रेजेंट है, N1 N2 N3, और उनके मोलर मास गिवन है आपको M1, M2 and M3। तो इसका आप यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास क्या होगा, टोटल मोल अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मास क्या होगा, तीनों का मास W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। अब अगर मैं N1 की बात करूं, N1 क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। तो फर्स्ट गैस के मोल्स क्या होंगे, उसका मास अपॉन उसका मोलर मास, सेकंड गैस के मोल्स क्या होंगे, सेकंड गैस का मास अपॉन उसका मोलर मास, और थर्ड गैस के मोल्स क्या होंगे, थर्ड गैस का मास अपॉन उसका मोलर मास। तो W1 क्या होगा, M1 N1, W2 क्या होगा, M2 N2, W3 क्या होगा, M3 N3। तो यहां पे एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, राइट। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन होते हैं, उस क्वेश्चन में क्या होता है, जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो मोल परसेंट की फॉर्म में होती है, कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गैस है, तो मोल परसेंट इसका सपोज 20% है, इसका 30% है। तो आप परसेंट क्या होते हैं, 100 में से निकालते हैं, इसका 20 है, इसका 30 है, तो टोटल मोल अगर 100 है तो यहाँ पे ये 20 है 30, तो ये थर्ड क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 20 30 और 50 पुट करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। गिवन है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.12, मैग्नीशियम 24 इज 90% बाय मोल, देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 25 एंड 26। तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है कितना, मैग्नीशियम किसका, मैग्नीशियम का 24.12, और बोला है मैग्नीशियम 24 90% है, मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26 आपको पूछा गया है। तो अगर टोटल 100% है उसमें से मैग्नीशियम 90% तो इन दोनों का मिला के कितना होगा यहाँ पर 10%। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा 10 माइनस x%,
ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, m1 n1 plus m2 n2 plus m3 n3 n1 plus m2 plus m3, तो एवरेज एटॉमिक मास कितना है 24.12 इक्वल टू m1 कितना, मैग्नीशियम 24 होगा, m1 ले लेते हैं 24 into 90 प्लस m2 कितना है 25 into x प्लस m3 कितना है 26 into 10 minus x अपॉन टोटल मास कितना होगा 100 मल्टीप्लाई कीजिए 24 12 इक्वल टू 24 9 जा कितना 2160 प्लस 25x प्लस 260 माइनस 26x अपॉन, अच्छा 100 तो कल ही मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से आप x निकालेंगे तो मैग्नीशियम का आपको परसेंटेज मिल जाएगा, जो x मिलेगा वो लगभग कितना मिलेगा 8% मिलेगा, तो अगर मैग्नीशियम 25% है तो मैग्नीशियम 26 कितना हो जाएगा, तो मैग्नीशियम 25 यहां से 8% तो मैग्नीशियम 26 कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से परसेंटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और कैलकुलेट करते हैं, इसमें बोला गया है एन एलिमेंट इज फाउंड इन नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म विद मास नंबर a-1 एंड a+3, तो दो आइसोटोप्स हैं उनके मास नंबर a-1 एंड a+3 है, इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज फाउंड टू बी a देन फाइंड रिलेटिव एबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप, तो दो आइसोटोप हैं, एक का मास a-1 है और एक का मास a+3 है, ठीक है, तो दोनों ही यहां पे क्या है नेचर में मिल रहे हैं, और जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है a है, तो आपको यहां पे बताना है कि जो हेवियर आइसोटोप है उसका मास यहां पे क्या होगा, तो इन दोनों के टोटल मोल्स यहां पे अगर हम बात करें, अगर टोटल मोल्स 100 ले रहे हैं तो a-1 के अगर x मोल हैं तो a+3 के कितने होंगे 100 माइनस x मोल, तो यहां पे फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू m1 n1 plus m2 n2 upon l1 plus n2, l1 plus n2 का सम कितना है 100, एवरेज एटॉमिक मास कितना है a, m1 कितना है a-1 into x प्लस a+3 into 100 माइनस x अपॉन टोटल मोल कितना है 100, तो कितना होगा 100 a इक्वल टू कितना होगा ax-x प्लस कितना होगा ये 100 a प्लस 300 माइनस ax-3x, तो ax से ax कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 100 a से 100 a कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा ये 4x इक्वल टू 300, सो x विल बी इक्वल टू 75%, राइट, तो x का वैल्यू कितना मिला 75%, x आपने किसके लिए लिया था यहां पर a-1 के लिए, तो ये क्या है लाइटर आइसोटोप हो जाएगा, और हेवियर आइसोटोप कितना होगा 25%, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होता है कि दो गैस की डेंसिटी का रेशियो, कि यहां पर वेपर डेंसिटी क्या होगा कि एक पर्टिकुलर गैस किसी दूसरी रेफरेंस गैस के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स डेंसर है, तो वेपर डेंसिटी इज द रेशियो जस्ट रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू गैस, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, तो डेंसिटी आप कैसे निकालते हैं पीवी इक्वल टू एनआरडी के अकॉर्डिंग, बिकॉज डेंसिटी यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है मास बाय मोल मास, तो पीवी इक्वल टू मोल्स को क्या पुट कर सकते हैं मास बाय, सॉरी डेंसिटी क्या होगा मास बाय वॉल्यूम, मोल्स को क्या पुट कर सकते हैं मास बाय मोल मास इनटू आरटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा डेंसिटी पीएमडब्ल्यू इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इनटू आरटी, सो डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है यहाँ पर पीएम अपॉन आरटी, राइट, तो दो डिफरेंट गैस की डेंसिटी का रेशियो ले रहे हैं, अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर होगा तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी क्या होता है मोलर मास ऑफ सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर हुआ, तो प्रेशर टेम्परेचर यहाँ रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मोलर मास ऑफ गिवन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस, ये रेशियो ही क्या कहलाएगा वेपर डेंसिटी कहलाएगा, अगर आपको रेफरेंस गैस स्पेसिफाई नहीं होती तो आप क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस को
रेफरेंस गैस ले लेते हैं तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास अपॉन 2 होता है, राइट। चलिए इस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। गिवन आपको वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, इफ इट्स डेंसिटी इज 1.78 ग्राम पर लीटर एट एसटीपी, तो आपको यहाँ पे डेंसिटी गैस का दे रखा है। अगर गैस का डेंसिटी दे रखा है तो आप गैस का मोलर मास यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करिए, मोलर मास निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर क्या करिए, आपको एसटीपी पर दे रखा है, आपको पता है एसटीपी पर 22.4 लीटर का जो मास होता है वही क्या होता है, मोलर मास। तो आपको डेंसिटी दे रखा है कितना, 0.178 ग्राम पर लीटर, तो एक लीटर का मास इतना है, तो हम क्या बोलेंगे, मोलर मास कितना होगा, 22.4 लीटर का जो मास होता है वही क्या होता है, इसका मोलर मास होता है, राइट। तो यहां से आपको मोलर मास मिल जाएगा इस गैस का, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, मोलर मास अपॉन 2, तो मोलर मास कितना, 0.174 इंटू 22.4 अपॉन 2, तो ये लगभग क्या मिलेगा, 4 के बराबर मिलेगा, 4/2 कितना हो जाएगा, 2, तो इसका वेपर डेंसिटी क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है, अ गैस इज फाउंड टू हैव फॉर्मूला, गैस का फॉर्मूला आपको गिवन है, CO Hall X, इट्स वेपर डेंसिटी 7, द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी, तो इसका वेपर डेंसिटी 7 दे रखा है, तो ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन हॉल x है, तो अगर मुझे इसका मोलर मास मिल जाएगा तो मैं x का वैल्यू निकाल पाऊंगा, तो वेपर डेंसिटी कितना है, 70 गिवन है, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास अपॉन 2, तो इसका मोलर मास कितना होगा, 140 के बराबर, तो ये कार्बन है कितना, 12 प्लस ऑक्सीजन 16, हॉल x कितना होगा यहां पे, इनटू x, हॉल x मींस जी यहाँ पे x नंबर में यहाँ पे CO प्रेजेंट है, ये किसके बराबर, 140 के बराबर, ये कितना हुआ, 16, 12 कितना, 28 इंटू x इक्वल टू 140, तो x कितना होगा यहाँ पे, 140 अपॉन 28 मींस कितना हो जाएगा, 5, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, गिवन आपको वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ SO2 एंड SO3 इज 35 5% कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर बाय मोल, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्व कीजिए। वेपर डेंसिटी आपको मिक्सचर का गिवन है SO2 + SO3, SO2 + SO3 इसका वेपर डेंसिटी गिवन है कितना, 35 है, आपको यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर बाय मोल बताना है, तो अगर वेपर डेंसिटी, अच्छा यहाँ से अभी हमने मोलर मास का देखा कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, अगर इस मिक्सचर का आपको एवरेज मोलर मास निकल जाए, पता लग जाए, तो आप यहाँ पे कंपोजिशन देख सकते हैं, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास अपॉन 2, सो मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा यहाँ पे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, 70, तो एवरेज मोलर मास आप कैसे लिखते हैं, m1n1 + m2n2 / n1 + n2, इफ टोटल मोल, टोटल मोल आप 100 ले लीजिए, उसमें से कुछ मोल्स SO2 के होंगे, कुछ मोल्स SO3 के होंगे, अगर SO2 के x मोल हैं, तो SO3 के कितने बचेंगे, 100 माइनस x, राइट, इसे यहाँ पुट कीजिए, तो एवरेज मोलर मास कितना है, 70, m1 को आप क्या ले रहे हैं, SO2 ले रहे हैं, और m2 किसके लिए ले रहे हैं, SO3 के लिए, तो SO2 कितना है, 64 x प्लस 18 इंटू 100 माइनस x अपॉन टोटल कितना है, 100, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, यानी x मींस SO2 का परसेंटेज मिल जाएगा कितना, 62.5, और SO3 का परसेंटेज मिल जाएगा 37.5%। नेक्स्ट गिवन आपको, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इफ इट कंटेन 7% ऑफ आयरन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 4 आयरन एटम, ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में 4 आयरन एटम है, तो यहाँ पे 1 मोल में कितने होंगे, 4 मोल ऑफ आयरन एटम होंगे, राइट, तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन का मोलर मास है उसका जो 7% होगा वो किसका मास होगा, आयरन का मास होगा, तो अगर एक मॉलिक्यूल में एक आयरन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 4 आयरन एटम है, तो यहाँ पे एक मोल में कितना होगा, 4 मोल ऑफ आयरन एटम, यानी यहाँ पे जो मोलर मास का 7% होगा वो कितना होगा, 4 मोल ऑफ आयरन का, 4 मोल ऑफ आयरन का मास होगा, राइट, तो यहाँ से मोलर मास आप निकाल सकते हैं, तो मोलर मास ऑफ आयरन कितना मिल जाएगा आपको, 3200 ग्राम पर मोल मिल जाएगा, राइट। इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, गिवन आपको फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ प्रेजेंट इन नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड Fe0.90,
स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें जो एक्चुअल रेशियो है उसी रेशियो में यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक, जो एक्चुअल रेशियो है उससे अलग रेशियो में यहाँ पर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू एनी डिफेक्ट, राइट। ये सॉलिड स्टेट में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो Fe 0.90 आपको गिवन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आपको पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना है कि यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो वो हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, स्टोइकोमेट्रिक हो चाहे नॉन स्टोइकोमेट्रिक हो। तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर ही होगा। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, 1 पर -2 होगा, तो यहाँ पर 0.9 पे मिला के टोटल कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। अब हम इसको इजी कैलकुलेशन के लिए बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला है, रेशियो तो वही रहेगा। 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, 90, और ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक ऑक्सीजन पे -2 था, तो 100 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -200, और यहाँ पर ये -200 है तो टोटल कितना होगा, +200, ठीक है। अब Fe90 में Fe2+ भी है और Fe3+ भी है, दोनों की वजह से जो टोटल चार्ज है वो क्या है, +200। हम ये मान लेते हैं कि 90 में से आयरन +2x है, तो आयरन +3 कितना हो जाएगा, 90 - x हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, 1 पर +2 है तो x पे कितना होगा, +2x, प्लस 1 पर +3 तो 90 - x पे कितना होगा, 90 - x, ये टोटल कितना, 200 के बराबर हो जाएगा। सो 2x + 270 - 3x = 200, तो यहाँ से x will be equal to कितना होगा, 70 हो जाएगा। तो अगर मैं Fe2+ की परसेंटेज की बात करूँ, तो Fe2+ का परसेंटेज कितना होगा, ये 70 किसमें से, 90 में से, तो Fe2+ का परसेंटेज क्या होगा, 70/90 × 100, और Fe3+ का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 20/90 × 100। तो इस तरीके से आप यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपली हमें क्या बताता है कि यहाँ पर कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एटम है उस डिफरेंट एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, वही क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर एक सिंपल एग्जांपल है, सपोज ग्लूकोज आपको गिवन है, तो इसमें जो सिंपलेस्ट रेशियो है वही क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो क्या होगा, CH2O, सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर हम रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स ही क्या कहलाएगा, यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 120, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो आपको गिवन है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है, CH2O, राइट। अब इसका जो मोलर मास बोला है, मोलर मास कितना है, 120 बोला गया है। तो अभी अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, 12 + 2 + 16 = 24, 30, 40, तो इसका जो मास है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास वो क्या है, 40 है। तो जो रिलेशन हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में मिला है, वही रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास में मिलेगा। तो अगर मुझे यहाँ एन का वैल्यू मिल जाता है, क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, 120, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, 40, तो कितना होगा, 3, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3 × CH2O means C3H6O3, राइट। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 120 CH2O, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो अभी हमने यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन देखा है, तो जो रिलेशन एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही रिलेशन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के बीच में है। तो आपको बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना बोला है, 120 बोला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना दे रखा है, CH2O। तो अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की बात करें तो क्या होगा, 12 + 2 + 16, तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर n क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, 120, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, 30, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर,
फोर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बात करें तो क्या होगा, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो एन कितना है 4, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, तो क्या होगा C4H8O2, तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट गिवन है नंबर ऑफ एटम ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड आर 4.8 × 10^10 एंड 9.6 × 10^10 रेस्पेक्टिवली, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगेन आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है तो यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो आपको बताना है। अब सिंपलेस्ट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करें, पहले क्रोमियम की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, कितने मॉलिक्यूल गिवन है आपको, मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है 4.8 × 10^10 एंड 9.6 × 10^10। तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूले में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इसका एक मोल है, इसका दो मोल है, इसका एक मोल है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो वहां पर बता सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स की हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर एनए से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एनए, तो मोल्स क्या होगा 4.8 × 10^10 अपॉन एन ए एंड 9.6 × 10^10 अपॉन एन ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल मिला। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने यहां पर किया सपोज C6H12O6, यहां पे जो भी लिस्ट वैल्यू थी उससे सबको डिवाइड कर दिया तो क्या मिला CH2O, तो जो भी लिस्ट वैल्यू उससे सबको डिवाइड कर दो तो इन दोनों में लिस्ट वैल्यू कौन होगी, एन ए तो कॉमन है, लिस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी, तो इससे हम दोनों को डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा यहाँ पे 4.8 × 10^10 अपॉन एन ए से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 9.6 × 10^10 अपॉन एन ए अपॉन 4.8 × 10^10 अपॉन एन ए। तो एन ए से एन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 10^10 से 10^10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 24 से हो रहा है क्या, 24 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 24 से ये कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो यानी ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम का 1 और ऑक्सीजन के 2 मोल है तो ये क्या हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट गिवन है आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर 40%, 13.3% एंड 46.7%, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये आपको बाय मास परसेंटेज गिवन है, यहाँ पर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल वही लॉजिक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर एटम के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता लगे तो आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। तो आपके पास है कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इनका मास यहाँ पे गिवन है आउट ऑफ 100 में से कितना मास इनका 40% यानी 40 ग्राम आउट ऑफ 100, 13.3% यानी 13.3 ग्राम एंड 46.7%। ठीक है, ये तो मास मिला। अब हम यहाँ पे मोल्स निकालेंगे तो मोल्स के लिए क्या करना होगा, एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा 40/12, 13.3/1 एंड 46.7/14। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, ये 13.33 मिलेगा, ये 13.3 के अप्रॉक्स एंड 3.33 के अप्रॉक्स, तो ये मोल्स मिल गए। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करें कि जो भी मोल्स मिले हैं उसमें जो भी लिस्ट वैल्यू है सबसे डिवाइड कर दो, तो सिंपलेस्ट मोल्स या रिलेटिव मोल्स इसके लिए क्या करना होगा, 3.33 से सभी को आपको डिवाइड करना होगा, तो 3.33 13.33 अपॉन 3.33 एंड 3.33 अपॉन 3.33, तो ये मिल जाएगा 1, ये मिल जाएगा 4, ये मिल जाएगा 1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा CH4N, राइट। चलिए, तो ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर जहां से हमारे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टोइकोमेट्री से अगर कोई भी रिएक्शन क्वेश्चन आपको गिवन है स्टोइकोमेट्री से, अगर उससे कैलकुलेशन करनी है तो सबसे जरूरी है कि पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करना आए, रिएक्शन को आप बैलेंसिंग करना डेफिनेटली जानते हैं, तो अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं तो आप स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा कि सपोज कोई रिएक्शन आपको गिवन है, एक सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, H2+ ½ O2 की रिएक्शन से H2O बन रहा है लिक्विड, यहाँ पर एटम गैसीय से ऑक्सीजन भी गैसीय से,
तो 1 मोल एटम से की रिएक्शन 1/2 मोल ऑफ O2 से हो रही है एंड 1 मोल ऑफ H2O, ये बैलेंस इक्वेशन आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इन टर्म ऑफ मोल्स हम क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2 1/2 मोल ऑफ O2 से रिएक्शन कर रहा है एंड 1 मोल ऑफ H2O बना रहा है। इन टर्म ऑफ मास बात करें तो ये क्या होगा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ वाटर, या इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी आप बोल सकते हैं। अभी तो वॉल्यूम नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पर एसटीपी कंडीशन वाला वॉल्यूम कंडीशन कंसीडर नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम के टर्म में किसको बोलेंगे, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन को ही बोलेंगे। तो क्या होगा, 22.4 लीटर ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1/2 मोल यानी 11.2 लीटर ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ वाटर, राइट। तो ये स्टोइकोमेट्री से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद एल्युमिनियम टू फॉर्म L2O3, द वेट ऑफ एल्युमिनियम यूज्ड इन द रिएक्शन। तो यहां पे एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहां पे L2O3 बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कितना एल्युमिनियम है 2 है, कितना ऑक्सीजन 3, राइट। तो बोला है 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद एल्युमिनियम, तो ये कितना है 3/2 मींस 1.5 मोल ही है। तो 1.5 मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल ऑफ L2O3 बन रहा है। तो आपको बोला है इफ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद एल्युमिनियम टू फॉर्म L2O3 द वेट ऑफ एल्युमिनियम यूज, यहां पे कितना वेट यूज में होगा, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम, 2 * 1 मोल का मास कितना होता है 27 ग्राम, तो ये कितना होगा 54 ग्राम यहां पर वेट एल्युमिनियम का यूज में आने वाला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया आपको, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी लिबरेटेड एट STP इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो कार्बन ग्रेफाइट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कंप्लीट कंबशन पर CO2 गैस यहां पर बनती है, ठीक है। इतना ये क्लियर होना जरूरी है। तो मींस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड 1 मोल ऑफ CO2 यहां पर प्रोड्यूस होने वाला है। 1 मोल ऑफ कार्बन मींस 12 ग्राम, तो 12 ग्राम यहां पे 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी लिबरेटेड इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन हमें एक्सेस में है, तो जो कैलकुलेशन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, कार्बन के अकॉर्डिंग। 1 मोल कार्बन है, 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा, यानी 12 ग्राम कार्बन है तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। 1 मोल CO2 मींस 22.4 लीटर CO2 यहां प्रोड्यूस होने वाली है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर CO2 मींस सेकंड आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 लीटर ऑफ इथेन हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो अब यहां पे वॉल्यूम की टर्म में आपको क्वेश्चन बोला है, तो ये क्या कर रहे हैं, इथेन का कंबशन कर रहे हैं। इथेन क्या होगा, C2H6, आपको फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे इथेन गैस बोला है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबशन कर रहे हैं, तो 2CO2 + 3H2O यहां पर बनने वाला है, राइट। तो यहां पर क्या है, बैलेंस कर दिए, 2 कार्बन 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 to the 4 4 and 3 7 7 by 2, यहां पर इतना कोफिशिएंट रहेगा। तो अगर 1 मोल ऑफ इथेन है तो 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहां पर कंज्यूम होगा। तो जितना यहां पर इथेन है उसका 7/2 मोल्स यहां पर, उसका 7/2 टाइम्स यहां पर कंज्यूम होने वाला है। तो जहां पर अगर ये 1 मोल है तो 7/2 मोल कंज्यूम होगा। अगर इतना वॉल्यूम यहां पे ले लें, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। अगर 22.4 लीटर इथेन है तो इसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा, 7/2 × 22.4 लीटर, राइट। यानी जितना वॉल्यूम इसका है उसका 7/2 टाइम्स यहां पर कंज्यूम होगा। अगर ये 4 लीटर आपको गिवन है तो कितना कंज्यूम होगा, 7/2 × 4 मींस 14 लीटर ऑक्सीजन गैस यहां पर कंज्यूम होने वाला है, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह लिखा है तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप वाटर को डिकम्पोज करेंगे H2 + 1/2 O2 यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है। तो अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर को लेते हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1/2 मोल ऑफ O2 यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है। अब बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 1 मोल है, 90 ग्राम की हम बात करें, 90 ग्राम में कितने मोल होंगे, 90/18 यानी 5 मोल, राइट। तो अगर ये 1 मोल है तो कितना 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था एंड 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये 5 मोल है तो 5 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस होगा एंड 5/2 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा, मींस 2.5 मोल ऑफ O2 यहां पर प्रोड्यूस होने वाला, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है ब्यूटेन बर्न्स विद
ऑक्सीजन इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम 0.15 मोल ऑफ ब्यूटेन. तो बिल्कुल सिंपल है, ब्यूटेन का कंबशन कीजिए C4H10, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा 4CO2 प्लस 5H2O. बैलेंस कर दीजिए 4 to 8, 8 and 5 कितना है 13. तो 13/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 1 मोल ऑफ ब्यूटेन के लिए कंज्यूम होने वाले हैं. राइट, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन से 4 मोल ऑफ CO2 एंड 5 मोल ऑफ वाटर यहाँ प्रोड्यूस होगा. तो जितना ब्यूटेन है उसका 4 टाइम्स क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा. तो आपको बोला है कितना मोल्स ऑफ ब्यूटेन आपने लिया है, 0.15 मोल. तो अगर 0.15 मोल है तो उसका 4 टाइम्स कौन प्रोड्यूस होगा, CO2, यानी 0.6 मोल ऑफ CO2 यहां पर प्रोड्यूस होने वाला है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, यहां पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बोला है द वेट ऑफ लाइम स्टोन ऑब्टेन बाय हीटिंग 200 केजी ऑफ 95% प्योर लाइम स्टोन. तो आपको यहां पर जो ये क्वेश्चन गिवन है वो परसेंटेज प्योरिटी से गिवन है कि द वेट ऑफ लाइम स्टोन प्योर द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन बाय हीटिंग 200 केजी ऑफ 95% प्योर लाइम स्टोन. तो लाइमस्टोन क्या है, CaCO3. CaCO3 को जब आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम एंड CO2 यहां पर बनने वाला है. तो अगर ये 1 मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मोल एंड 1 मोल. अगर ये 100 ग्राम है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, 56 ग्राम एंड 44 ग्राम CO2. अगर ये 200 ग्राम है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, इसका डबल 2 × 56 ग्राम एंड 88 ग्राम. ठीक है, अब आपको बोला है कि यहाँ पर लाइमस्टोन क्या है, 95% प्योर है, यानी 200 का 95%. तो 200 का 95% क्या होगा यहाँ पर, 190 ग्राम. तो अगर ये 190 ग्राम है तो 200 से कितना प्रोड्यूस हो रहा था, अब आप यूनिट मेथड लगा सकते हैं कि सिंस बाय 100 ग्राम CaCO3 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस. ठीक है, बाय 1 ग्राम CaCO3 कितना प्रोड्यूस होगा, 56 अपॉन 100 एंड बाय 190 ग्राम CaCO3 कितना प्रोड्यूस होगा, 56 अपॉन 100 इनटू 190. तो मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा 5.6 इनटू 19. तो कितना मिल जाएगा आपको, ये 106.4 ग्राम. तो अगर ये 200 ग्राम है तो ये कितना मिलेगा, 106.4 ग्राम का, जब ये 95% प्योर है. अगर ये 200 केजी है तो बाय 200 केजी 95% प्योर CaCO3 कितना प्रोड्यूस होगा, 106.4 केजी कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट बोला गया है 20 ग्राम CaCO3 ऑन डीकंपोजिशन गिव CO2 एट STP इफ यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 75% ओनली. तो अगर 20 ग्राम CaCO3 आप ले रहे हैं, 75% यील्ड है, तो कितना CO2 यहां पे प्रोड्यूस होगा आपको वॉल्यूम बताना है. तो देखिएगा यहां पे अगर 1 मोल ऑफ CaCO3 आप ले रहे हैं तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ CO2 बनेगा. 1 मोल ऑफ CaCO3 मींस 100 ग्राम CaCO3 ले रहे हैं तो कितना प्रोड्यूस होगा यहां पर, 56 ग्राम एंड 44 ग्राम. ठीक है, अगर हम यहां बात करें 20 ग्राम का मींस क्या होगा, 1/5 मोल, या आप ऐसे भी देख लें यहाँ पर ये करने ही करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. 20 ग्राम आपने लिया उसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 1/5 मोल. तो अगर 1/5 मोल ऑफ CaCO3 ले रहे हैं तो 1/5 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1/5 मोल ऑफ CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था अगर आपने 20 ग्राम CaCO3 लिया, बट आपको बोला है यहाँ पर यील्ड क्या है, 75%, मीन जितना प्रोड्यूस हो रहा था उसका 75% ही आपको मिलेगा. तो 1/5 मोल प्रोड्यूस हो रहा था तो उसका कितना मिलेगा यहाँ पे, 75%, यानी 15/100 मोल ही आपको यहाँ पर मिलेगा. राइट, तो हमें पता है 1 मोल एट STP कितना होता है, 22.4 लीटर. तो 15/100 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/20 मोल भी तो लिख सकते हैं. तो 3/20 मोल एट STP कितना होगा, 22.4 इंटू 3/20, यानी कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है, 3.36 लीटर. राइट, तो इजी कैलकुलेशन था. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन है आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से POAC. तो POAC को पहले हल्का सा मैं आपको आइडिया दे दूं, POAC हमें क्या है और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और कैसे समझना है, कैसे कैलकुलेट करना है. तो POAC हमें क्या बोलता है कि यहाँ पर जब भी हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अलावा, तो जो भी रिएक्शन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, उसमें मास हमेशा
कंजर्व रहता है। अगर मास कंजर्व है तो रिएक्शन में जो 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 एटम यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कंज्यूम रहे सॉरी कंजर्व रहेंगे। तो सपोज एक एग्जांपल ले लें C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज है, सपोज हम इसका कंबशन कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, 6CO2 + 6H2O, राइट। तो बैलेंस करते इक्वेशन कितना होगा, यहाँ पर 6O2 प्रोड्यूस होगा। अब ये बैलेंस इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 मोल ऑफ CO2 एंड 6 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम यहाँ पर ऐसा भी देख सकते हैं कि इधर CO2 कार्बन के कितने मोल्स थे, 6 मोल ऑफ एटम थे, इधर भी कितने मोल्स होंगे, 6 मोल ऑफ एटम होंगे। हाइड्रोजन के इधर कितने मोल्स ऑफ एटम थे, 12 मोल, इधर भी कितना होगा, 6 × 2 = 12। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे, 6 मोल ऑफ एटम और 12, तो 12 और 6 18 एटम है, तो इधर भी कितना है, 18 एटम, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम भी क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। इसी को हम बोल रहे हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो POAC के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, POAC, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि जितने मोल्स ऑफ एटम पर्टिकुलर एलिमेंट के इधर है उतने मोल्स ऑफ एटम यहाँ पर भी होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, POAC की हेल्प से अगर आपको ग्लूकोज का मास पता है और ग्लूकोज के सारे कार्बन अगर CO2 में जा रहे हैं तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, CO2 के मास निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2, ठीक है। तो अब कार्बन के ग्लूकोज के अंदर मोल्स आप कैसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है ग्लूकोज के एक मोल में कितने मोल्स कार्बन है, 6 मोल, तो मैं क्या बोलूंगा, 6 × मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो अगर मैं ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेंगे, कार्बन एटम के मोल्स मिलेंगे, किसके इक्वल होंगे, यहां पर 1 × मोल्स ऑफ CO2, बिकॉज CO2 के एक मोल में एक ही कार्बन है, तो जितने मोल्स ऑफ कार्बन होंगे उतने मोल्स ऑफ CO2 यहाँ पर बनने वाले हैं। इसको हम और क्या पुट कर सकते हैं, 6 × मोल्स ऑफ ग्लूकोज में मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 1 × मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ CO2 हमें नॉन है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें पता है, मास ऑफ ग्लूकोज अगर आपको निकालना है तो अगर मास ऑफ CO2 आपको गिवन है तो यहां से आप मास ऑफ ग्लूकोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही POAC वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन करना है। बोला गया है आपको 10 ग्राम सैंपल ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज ट्रीटेड टू प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम एट CaCO3। दिस CaCO3 is heated to convert all the calcium to calcium oxide and final mass of calcium oxide is 1.62 gram. The percentage by mass of CaCO2 in the original mixture. तो आपको बताना था कि original mixture में CaCO2 कितना percent था। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, CaCl2 plus NaCl की reaction से क्या किया है यहाँ पे, CaCO3 बनाया, ठीक है। फिर क्या किया यहाँ पे, उसको heat किया तो calcium plus CaO बना, देन फिर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना मिला, 1.62 ग्राम मिला। इनिशियली CaCl2 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड NaCl, तो यहाँ पे CaCl2 और NaCl दोनों का मास मिला के कितना लिया था, 10 ग्राम लिया था, ठीक है। अब आपको बताना है इस सैंपल के अंदर कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना था। अब देखिएगा यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि यहाँ पर जो कैल्शियम है वो कहाँ पर जा रहा है, आपको हिंट गिवन है, All the calcium is CaCO3. जितना कैल्शियम है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, CaCO3 में कन्वर्ट कर दिया है। अब जब CaCO3 को हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 ही बनेगा। तो CaCO3 में जो कैल्शियम था वो कहाँ चला जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो कैल्शियम था वो पूरा का पूरा कैल्शियम ऑक्साइड में चला गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना है तो मैं POAC ऑन कैल्शियम अप्लाई कर सकता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन CaCl2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। अब अगर मैं CaCl2 के अंदर कैल्शियम एटम के मोल्स देखना चाहूं तो कितना है, जितने मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के होंगे
एक मोल के अंदर एक है, तो जितने मोल्स कैल्शियम को ऐड के होंगे उतने ही मोल्स यहाँ पर कैल्शियम एटम के होंगे, इक्वल टू 1 इनटू मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना है वो आपको पता नहीं है, आपको इस पूरे सैंपल का मास पता है। तो अगर मैं मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकालना चाहूं, मोलर मास कितना होगा 111 इक्वल टू, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है 1.62 अपॉन मोलर मास कितना होता है 56। ठीक है, तो यहां से आप मास ऑफ CaCl2 निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको मास ऑफ CaCl2 मिल जाएगा, कितना होगा 1.62 इनटू 111 अपॉन 56, ये लगभग मिलेगा आपको 3.21 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो इसका मींस ये 10 ग्राम सैंपल था, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड कितना है 3.21 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ CaCl2 इन सैंपल कितना होगा, मास ऑफ CaCl2 अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100, मींस यहां पे कितना 32.1% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सैंपल के अंदर प्रेजेंट था। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गिवन है लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन। अब लिमिटिंग रिएजेंट समझने के लिए वापस से एक एग्जांपल की बात करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जब आप रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं किन्हीं दो कंपोनेंट के बीच में और कोई एक कंपोनेंट पहले ही खत्म हो जाता है, तो उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सपोज H2 और हाफ O2 की रिएक्शन से H2O बन रहा है, ठीक है, तो 1 मोल H2 और हाफ मोल ऑफ O2 यहाँ पे कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल ऑफ H2O बनेगा। ये हम क्या बोले, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग, बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, कि जब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, एक मोल के लिए हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहां पे कंप्लीट रिएक्शन होगी, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में कंप्लीट रिएक्शन हो रही है और कोई कंपोनेंट यहां पर नहीं बचेगा। अगर मैं 2 ग्राम की इन टर्म ऑफ मास बात करूं तो 2 ग्राम के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 16 ग्राम। अब सपोज आपको ऐसा दे दिया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 20 ग्राम O2 है, ठीक है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 20 ग्राम O2 अगर ये कॉम्बिनेशन दे दिया तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हमें पता है 1 मोल हाफ मोल से कंप्लीटली रिएक्ट करता है, 2 ग्राम 16 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करता है, तो अगर यहाँ पे 2 ग्राम है तो ये कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, 16 ग्राम ही करेगा, उससे ज्यादा तो कंज्यूम नहीं कर सकता, तो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाएगा और यहाँ पे 20 में से 16 कंज्यूम हो जाएगा तो बचेगा कितना 4 ग्राम। अब देखिएगा यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन है वो पहले ही खत्म हो गया, ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो जो पहले खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है और जो बाद में बचता है वो एक्सेस रिएजेंट होता है। अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कितना है, जो खत्म हो गया है वो कितना है, जो बचा हुआ है उससे हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता। तो जिसने रिएक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते हैं, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 ग्राम से कितना बन रहा है यहाँ पे 18 ग्राम, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ है, मैक्सिमम 2 ग्राम ही कंज्यूम हुआ है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट में कुछ क्वेश्चन। गिवन है आपको 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्निटेड इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहां पर बनेगा, तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा। तो आपको यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा, H2 प्लस हाफ O2 की रिएक्शन से क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बताएगी, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ वाटर बनाएगा, यानी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाटर आपको बनाएगा। अब बोला गया है यहाँ पर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 ग्राम से क्या कर दिया, 4 कर दिया, यानी इसको डबल कर दिया। तो अगर कंप्लीट रिएक्शन करानी है तो ऑक्सीजन भी क्या करना चाहिए था, डबल करना चाहिए था, कितना करना चाहिए था 32 ग्राम, बट है कितना 32 की जगह 4 ग्राम। तो क्या ये कंप्लीट रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, 32 के रेस्पेक्ट में ये बहुत कम है, राइट। अब देखिए यहां पर 2 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड था, 16 ग्राम, 4 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 32 ग्राम। तो जितना रिक्वायर्ड था उतना है क्या, नहीं है, उससे काफी कम है, तो ये पहले कंज्यूम हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है। अब ऐसे समझ लीजिए कि 16 ग्राम की रिएक्शन के लिए 2 ग्राम रिक्वायर्ड था, तो 4 ग्राम की रिएक्शन के लिए तो 2 से भी कम रिक्वायर्ड होगा,
तो ये है कितना 4, तो ये 2 से भी कम रिक्वायर्ड है, तो ये तो क्या होगा एक्सेस रिएजेंट होगा, जितना रिक्वायर्ड था उससे काफी ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये तो क्या होगा बचा हुआ रहेगा और ये क्या होगा एक्सेस में होगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी है, फिर भी देख लें एक्सेस रिएजेंट कितना बनेगा, उसके लिए यूनिटी मेथड लगा लें, सिंस 16 ग्राम O2 रिएक्ट विद 2 ग्राम H2, तो 1 ग्राम O2 कितने से रिएक्ट करेगा 2/16, एंड 4 ग्राम O2 कितने से रिएक्ट करेगा 2/16 × 4 यानी 0.5 ग्राम H2, 0.5 के साथ रिएक्ट करेगा, बचा हुआ कितना है 3.5, तो रिमेनिंग एक्सेस रिएजेंट कितना होगा 4 − 0.5 मींस 3.5 ग्राम, इतना बचा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है लिमिटिंग एजेंट, तो जो भी आप प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे सिंस बाय 16 ग्राम O2 18 ग्राम H2O प्रोड्यूस्ड, सो 1 ग्राम O2 से कितना बनेगा 18/16 और 4 ग्राम O2 से कितना बनेगा 18/16 × 4, तो ये कितना है 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 4.5 ग्राम, तो यहाँ पे कितना ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा होगा 4.5 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कंसंट्रेशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे, फर्स्ट परसेंटेज कंसंट्रेशन, तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या बताता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसका एग्जांपल हम देते हैं, सपोज आपको गिवन है 30% NaCl, तो इसका क्या मीनिंग होगा 30 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या ऐसा भी बोल सकते हैं 30 ग्राम NaCl इन 70 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेशन होता है। राइट, सेकंड हम बात करें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो ये क्या बताता है कि यहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, सपोज आपको गिवन है 20% ऑफ HCl, तो इसका क्या मीनिंग होगा 20 ग्राम HCl इन 100 ml सॉल्यूशन। राइट, तो इसे हम क्या बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का आपको कैलकुलेशन करना है तो क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो यही क्या होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेशन होगा। थर्ड बात करें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका क्या मीनिंग है 100 ml के अंदर कितना ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, सपोज आपको गिवन है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड, तो इसका क्या मीनिंग होगा 10 ml एसिटिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन। राइट, तो अगर आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो इस तरीके से परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करें मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर वॉल्यूम ml में होगा तो उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां से आप मोल्स भी निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा यहां पर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। राइट, तो इस तरीके से आप सॉल्यूट के मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम यहां पर बात कर सकते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन, तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या बताता है कि जब भी हम यहां पर किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो आफ्टर डाइल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो सॉल्यूट के मोल्स क्या रहते हैं कंजर्व रहते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन था, इसका इनिशियल मोलरिटी m1 इनिशियल वॉल्यूम v1 था, इसको हमने क्या कर दिया डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट करने पर फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया m2 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया v2 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूट
इसके इक्वल होगा फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। तो सॉल्यूट के मोल्स को आप कैसे निकालेंगे, M1U1 किसके बराबर, M2V2 के बराबर। तो फाइनल कंसंट्रेशन अगर आपको पूछा जाए तो क्या होगा, M1V1/V2। तो यहाँ पर V2 जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम एडेड। सपोज इनिशियल वॉल्यूम V1 ले लेते हैं और यहाँ पे V2 वॉल्यूम से डाइल्यूट करते हैं फाइनल वॉल्यूम M फाइनल V फाइनल कंसंट्रेशन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा समझना इजी रहेगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, M1U1/V final। तो V final क्या होगा, V1 प्लस जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट यहाँ पर एड किया है, तो M2V2/V1 क्या होगा, M1V1/V1 plus V2। तो M into V क्या था, M1V1 क्या था, moles, और V1 plus V2 क्या हुआ, total volume। तो moles upon total volume क्या, concentration होती है। ऐसी law of mixing की भी हम बात करते हैं, law of mixing, वो दो different solution इन दोनों को मिला दें, तो after mixing यहाँ पर इसका concentration M1, इसका volume V1, इसका concentration M2, इसका volume V2, इन दोनों को मिक्स करने तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होने वाला है, वही कैलकुलेशन लॉ ऑफ मिक्सिंग के थ्रू करते हैं। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इनिशियल टोटल सॉल्यूट के वॉल्यूम जो होंगे वो फाइनल टोटल सॉल्यूट के वॉल्यूम के टोटल मोल्स के बराबर होंगे। तो इनिशियल टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के इनिशियल टोटल मोल्स की जो नंबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, फाइनल टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होते हैं। तो ये क्या होगा, M1V1 plus M2V2। इन दोनों के यहाँ पे कुछ सॉल्यूट के मोल्स थे, यहाँ पे कुछ सॉल्यूट के मोल्स थे, दोनों का एडिशन कर दीजिए, M1V1 plus M2V2 किसके बराबर होगा, M final V final। तो M final कितना हो जाएगा, M1V1 plus M2V2/V final। तो ये आपको फाइनल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन मिल जाएगा। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, जितना भी टोटल वॉल्यूम में फाइनल सॉल्यूशन का वही क्या हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहां पे कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, मोलैरिटी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का जो भी मास होगा केजी में वो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, आपको मोलैरिटी मिल जाएगा। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, तो ये क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू M into 1000 upon 1000D minus M into MW। तो ये होपफुली फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो स्मॉल m क्या होता है, यहां पर मोलैरिटी होता है, जो कैपिटल m होता है वो क्या होता है, यहां पर मोलैरिटी होता है, जो mw होता है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, और जो स्मॉल d है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, मोल फ्रैक्शन, इसमें हालांकि बताने का बहुत कुछ खास नहीं है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल्स टोटल मोल के रिस्पेक्ट में कितना है वही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, राइट। तो यही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब एक लास्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे कि यहां पर रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मोलैरिटी स्मॉल m क्या होता है, X1 into 1000 upon X2 into M2। यहां पर X1 होगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2 होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
एंड एम टू होगा यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलिए जो भी फॉर्मूला हमने देखे हैं उनके बेसिस पर फास्टली कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, नीट लेवल पे आपको बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उसके लिए आपको ये जरूरी है कि फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल पता हो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपके चार नंबर है, अदरवाइज माइनस वन हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना बिल्कुल जरूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। गिवन है 500 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी मोलरिटी पूछा गया है। तो मोलरिटी क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स के लिए मास बाय मोलर मास, तो मास कितना है 90 ग्राम, मोलर मास कितना ग्लूकोज का 180 इनटू वॉल्यूम कितना है 500 ml, ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 90 से 180 टू टाइम्स, 1500 से टू टाइम्स, तो 1 मोलर सॉल्यूशन यहां पर प्रेजेंट होगा। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोला है 500 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन 6.02 into 10^22 molecules, the concentration of solution. तो अब यहाँ पे जो आपको concentration निकाल रखी है, तो वो concentration निकालनी है, तो उसके लिए आपको information molecules का दे रखा है, but हमें पता है molecules से moles भी calculate कर सकते हैं, तो moles यहाँ पे क्या होंगे, दूसरे question में moles की बात करने पहले, moles क्या होंगे 6.02 into 10^22 upon 6.02 into 10^23 तो 0.1 मोल्स यहां प्रेजेंट होंगे। सो मोलरिटी क्या होगा 0.1 अपॉन टोटल वॉल्यूम 500 ml इनटू ml को लीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना होगा 0.2 मोलर सॉल्यूशन यहां पर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेन 100 मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट। तो हमें पता है मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में हुआ तो यहाँ पे मोल्स क्या मिलेगा, मोल्स क्या होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में तो मोल्स मिलेगा, और अगर वॉल्यूम एमएल में है तो ये क्या होंगे मिलीमोल। ठीक है, अब आपसे बोला गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेन 100 मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के कितने मिलीमोल है 100 मिलीमोल। ठीक है, मोलरिटी कितना है 0.8 इनटू वॉल्यूम इन एमएल, तो वॉल्यूम इन एमएल कितना होगा 100 upon 0.8 mean 1000 upon 8, 1000 upon 8 means 125 ml, तो यहाँ पे सॉल्यूट का सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 125 ml। नेक्स्ट गिवन आपको अ सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 इज 1/30 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, बिल्कुल इजी है, तो FeCl3 कितना है 1/30 मोलर, तो जब FeCl3 डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो अगर ये 1/30 मोलर है तो इसका 3 टाइम्स कौन Cl माइनस प्रोड्यूस होगा 3 × 1/30 मींस 1/10 मोलर कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा यहां पर Cl माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है आपको 0.1 मोल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, मोलरिटी पूछा गया है, तो मोलरिटी क्या होता है स्मॉल m मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोलरिटी कितना होगा यहां पे 0.01 मोल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट कितना है 10 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 राइट, तो कितना हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, द मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज, तो मास परसेंट क्या होगा, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ग्लूकोज का मास कितना गिवन है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज से डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास कितना है 150 ग्राम इनटू 100, तो 100 बाय 15 कितना हो जाएगा ये 6.25%, तो ये आपको यहां पर मास परसेंट यानी वेट बाय वेट कंसंट्रेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट डाइल्यूशन से आपको 500 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मिक्स्ड विद 500 ml 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, फाइनल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, तो देखिएगा यहां पर आपको क्या किया गया है,
एक सॉल्यूशन है 1 मोलर 500 ml, इसको मिलाया गया है दूसरे सॉल्यूशन से, उसका कंसंट्रेशन कितना है 3 मोलर 500 ml। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया, फाइनल कंसंट्रेशन क्या लगाना है, m1v1 plus m2v2 upon v1 plus v2। तो m1 कितना है 1 × 500 plus 3 × 500 upon टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 1000। तो ये कितना होगा 500 plus 1500 यानी कितना हो जाएगा 2000 upon 1000 means 2 molar आपको फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो थोड़ा आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख बोला है सेकंड, 3 decimeter cube means 1 liter of 1 molar calcium hydroxide solution mixed with 5 decimeter cube of 0.5 molar NaOH solution, the molarity of OH minus in resulting solution। तो जो आपको OH minus मिल रहा है वो कहां कहां से मिल रहा है वो आप देख लीजिए। तो calcium hydroxide जब dissociate होगा तो क्या बनाएगा Ca2 plus प्लस 2OH माइनस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है उससे डबल आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन मिलेगा, ठीक है। सेकंड NaOH कंसंट्रेट डिसोसिएट होगा क्या बनेगा Na प्लस प्लस OH माइनस। तो NaOH में NaOH का कंसंट्रेशन 0.4 मोलर है तो इससे कितना 0.4 molar Na plus 0.4 molar of OH minus यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो दोनों OH minus का कंसंट्रेशन पता है, दोनों कंपोनेंट का कितना कितना वॉल्यूम लिया था 3 डेसीमीटर क्यूब में 3 लीटर एंड NaOH का कितना लिया था 5 डेसीमीटर क्यूब में 5 लीटर। तो फाइनल OH minus का कंसंट्रेशन क्या होगा, अगेन m1 u1 plus m2 v2 upon v1 plus v2। OH minus का यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना 2 into volume 3 plus 0.4 into volume 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम 5 प्लस 3 8। तो 3 टू जा 6 प्लस 2 अपॉन 8 मींस फाइनल OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 मोलर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट एंड 0.1 मोलर NaCl आर मिक्स्ड। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि आपको AgNO3 बोला है कितना 0.1 मोलर V volume suppose और NaCl भी बोला है कितना 0.1 molar and V volume, दोनों का volume equal है। But ये गौर कीजिए कि यहाँ पे जो nitrate ion है वो silver nitrate से आ रहा है, NaCl से कोई nitrate ion नहीं आ रहा है। NaCl का mixing क्या करेगा, केवल dilution का काम करेगा। तो जब AgNO3 dissociate हो रहा होगा तो क्या produce करेगा Ag plus plus NO3 minus, ये 0.1 molar था तो Ag plus कितना बनेगा 0.1 molar NO3 minus 0.1 molar। तो final जो molarity होगी Ag plus की वो कितना होगा M into V, initial volume कितना था V, final volume कितना होगा 2V। तो यहाँ पे 0.05 molar आपको nitrate ion का concentration मिलेगा। तो silver nitrate में से आपको nitrate ion मिला but यहाँ पे volume क्या होगा दोनों के mixing से double। तो volume जब double हो जाता है तो concentration क्या हो जाती है half हो जाती है। next given है आपको the molarity of a solution containing 2.8% weight by volume solution of KOH। तो यहाँ पर 2.8% का means क्या है 2.8% weight by volume, तो इसका means क्या है 2.8 gram KOH in 100 ml solution। तो आपको KOH का mass पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो मोलरिटी क्या होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मास ऑफ सॉल्यूट 2.8 अपॉन सॉल्यूट का सॉलिड कौन है KOH। तो इसका मास कितना होगा 39 प्लस 140 40 एंड 16 56 इनटू वॉल्यूम कितना है 100 ml इनटू 1000। तो ये कितना हो जाएगा 28 अपॉन 56 यानी 1/2 मींस 0.5 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोला है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो 20% वेट बाय वेट NaOH यानी इसका मींस क्या होगा 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो जब आपको मोलैरिटी निकालनी होती तो मोलैरिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट।
इन केजी अगर ग्राम में होता है तो 1000 से आप डिवाइड करते हैं। तो ये बिल्कुल फोकस रखना है कि यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का मास है और 20% वेट बाय वेट की जब आप बात करेंगे तो वहां पे एनएवएच 20 ग्राम किसके अंदर है, 80 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 20 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 80 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलैलिटी की बात करें, मोल्स कितना होगा, मास बाय मोलर मास ऑफ एनएवएच 40 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट 80 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 100 बाय 16, तो यहां से आपको 6.25 मोलैलिटी सॉल्यूशन की मिल जाएगी। राइट, नेक्स्ट गिवन आपको द मोलैलिटी मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड, तो 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का आपको मोलैलिटी बताना है। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन अभी यहां पर आपको मिला है, तो कितना है 20% वेट बाय वेट H2SO4 और डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है 1.14 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे अगर आपको मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो यहां से हम बात करें 20% वेट बाय वेट का क्या मीनिंग होगा, 20 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन का मास है, आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का 1.14, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है। तो मोलैरिटी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है, 20 ग्राम सॉल्यूट का मास है, इसका मोल्स निकालना होगा तो मोलर मास से डिवाइड करना होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 अपॉन 1.14 इनटू 1000। राइट, कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपको सॉल्यूशन का मोलैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन आपको 36.5% HCl has density equal to 1.20 gram per ml, molarity and molality respectively। तो similar question है ताकि आपकी practice better हो, तो यहाँ पर आपको given है 36.5% weight by weight वाला solution given है, तो molarity बताना है आपको, molarity भी बताना है। तो 36.5% weight by weight का क्या meaning होगा, 36.5 gram HCl in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी सॉल्यूशन का कितना गिवन आपको 1.2 ग्राम पर ml, तो मोलैरिटी निकालनी है तो पहले हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.2। ठीक है, तो यहां से मोलैरिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है सॉल्यूट का 36.5 अपॉन मोलर मास कितना है 36.5 इनटू वॉल्यूम कितना होगा 100 अपॉन 1.2 इनटू 1000। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा 12 मोलर। ठीक है, अब आपके पास मोलैरिटी भी है डेंसिटी भी है तो आप मोलैरिटी और मोलैरिटी वाला रिलेशन वाला फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट 36.5 अपॉन मोलर मास, 36.5 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना होगा, सॉल्यूट का मास माइनस कर दो अपॉन 1000। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आपको an aqueous solution of ethanol has density 1.025 ग्राम पर ml एंड इट इज 2 मोलर, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखिए यहां पर आप सिंपली बिल्कुल फॉर्मूला लगा दीजिए, मोलैरिटी क्या होगा, m into 1000 अपॉन 1000 d माइनस m into mw। सो मोलैरिटी तो आपको गिवन है, सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है, ये 2 मोलर into 1000 अपॉन 1000 d, डेंसिटी कितना है यहां पे 1.025 माइनस मोलैरिटी कितना है 2, और सॉल्यूट कौन है यहां पर, इथेनॉल, इथेनॉल क्या है C2H5OH,
तो इसका कितना होगा 24 प्लस 6 प्लस 16, तो 46 ग्राम इसका मोलर मास होता है। 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सॉल्यूशन का मोलरिटी मिल जाएगा। ठीक है, अंतिम सवाल की बात करें, बोला गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.25 मींस मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है, हेंस परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वेट इज। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH क्या होगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वॉटर, यही होगा। ठीक है, अब आपको बोला है यहां पे मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है इसका 0.25 यानी 1/4। तो अगर 1/4 मोल फ्रैक्शन गिवन है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये 1/4 है तो इसका मींस क्या होगा, अगर 1 मोल प्रेजेंट है तो 1 मोल ऑफ इथेनॉल के साथ 3 मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 मोल C2H5OH तो ही तो 1/4 रेशियो मिलेगा। ठीक है, वही हमने किया है, तो C2H5OH कितना है 1 मोल यानी 46 ग्राम, 3 मोल वाटर यानी 3 × 18 यानी 54 ग्राम, तो टोटल मास कितना हुआ 100 ग्राम, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल कितना होगा 46/100 × 100 मींस 46% यहां पे इथेनॉल का मास परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो हमने प्रैक्टिस किए हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, उनको आप फिर से रिवाइज कीजिए ताकि आपको नीट में काफी हेल्प मिले। और इससे रिलेटेड कुछ चीजें और है, जैसे यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग नॉर्मलिटी वगैरह, उसको हम नेक्स्ट में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी अलग से पढ़ेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार।